Hey everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about a beautiful plant called Tecoma. तो चलिए start करते हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस plant के origin के बारे में. तो origin of this plant is from America and now the nature of the plant is perennial, जिसे आप सदाबहार भी कह सकते हैं. ये throughout the year आपके पास रहेगा. तो सबसे पहले हम जानते हैं इस प्लांट की वैरायटीज़ कितनी तरीके की होती हैं. तो ये देसी में जिसका फ्लावर येलो कलर का होता है वो देसी फ्लावर देसी प्लांट होता है. एंड द वेरीगेटेड वन इज़ जिसकी लीव्स में किनारे आपको वाइट स्ट्राइप्स मिल जाएंगी, वो ऑर्नामेंटल लुक देता है. तो आज जो मैं आपको शो कर रही हूँ प्लांट वो है ऑरेंज जुबली, जिसे ऑरेंज तिकोमा भी कहते हैं. तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं कि इसकी केयर और इसको आप कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं. तो सबसे पहले वाटरिंग के बारे में बात कर लेते हैं. तो पानी जो आपको इसको डालना है वो आपको हर दूसरे दिन डालना रहेगा, या आप इसमें स्प्रिंकल कर दीजिए. और कोशिश कीजिए ये देखिए कि आपका वाटर स्टैंड तो नहीं कर रहा है नीचे, क्योंकि ये प्लांट कभी भी स्टैंडिंग वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो इसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी. और प्रोपोगेशन की बात जहाँ तक है तो ये बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है. ये आप इसको स्टेम्स के थ्रू भी प्रोपेगेट कर सकते हैं. और ये जो इसके सीड होते हैं, जब आपके इसमें फलियां लग जाती हैं वो सूखती हैं, तो आप उसके सीड्स निकाल के आप लगा सकते हो. उसको बहुत ईजली वो उग जाएगा आपके घर पे. और प्रूनिंग जो आपको करनी रहेगी वो आपको लेट विंटर्स और अर्ली स्प्रिंग सीजन में करना रहेगा. और प्रूनिंग के लिए बस आप इसकी जो भी डेड स्टेम होंगी उसको आप काट दीजिए. और जो भी फ्लावर्स अगर हों आपके वैसे भी प्लांट्स में लगे हो तो कोशिश यही करिए कि जो सूखे फ्लावर्स हैं आप उनको हटा दीजिए. और फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आप इसको मॉनसून सीज़न में गोबर की खाद दे देते हैं तो डैट इज़ मोर देन इनफ. आप इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये प्लांट एक अर्ली जो गार्डनर्स हैं या जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है वो बहुत ईजिली इसको ग्रो कर सकते हैं. थैंक यू. If you like the video, please do subscribe and share the video as much as you can. Thank you so much.